लेकिन जिस प्रकार अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल जी भी राजस्थान में आए थे बांसवाड़ा के अंदर, आप भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में लगातार राजस्थान के अंदर आए, यहाँ की जनता आपको दिल से चाहती है, दिल से प्रेम करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों लाखों लोग बैठे बात को बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुणे राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आई हुई हम सबकी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, एक मिनट भाई, ऐसा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज टोंक जिले में पहली बार प्रियंका जी आई हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए जोर से। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे मंत्री रमेश मीणा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोटाटा साहब, हमारे प्रभारी रंधावा जी, अमृता जी, राठौर साहब, राजीव साहब, तमाम मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे टोंक जिले के जिलाध्यक्ष महोदय हरिभाई बैरवा साहब, हमारे स्थानीय विधायक प्रशांत जी, देवियों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, अभी सरकार की तरफ से जो नाना प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं उन सबका अवलोकन प्रियंका जी ने किया। और सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस की सोच थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सोच से जो यूपीए ने जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने यहां पर काम कर रहा है 4 साल से। अब जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं ना कभी धन की कमी रही, ना स्कीम्स की, ना प्रोग्राम की, इसलिए मैं मानता हूं कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 महीने के बाद राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव है, हम सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन से विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर आक्रोश पैदा कर जनता का ध्यान डाइवर्ट कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, इन्होंने अपने समर्पण से, अपने त्याग और तपस्या से राजस्थान समेत देश के जनता में अपनी जगह बनाई है, उनके मन में जगह बनाई है। और लोग झूठा प्रचार कर कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुणे राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका। हमारी जो ऊर्जा आज हमारे अंदर है, नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने संगठन को कमी नहीं छोड़ी। मैं आपसे प्रियंका जी आग्रह करना चाहता हूं, आज आप राजस्थान आई हैं, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल जी भी राजस्थान में आए थे बांसवाड़ा के अंदर, आप भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में लगातार राजस्थान के अंदर आए, यहाँ की जनता आपको दिल से चाहती है, दिल से प्रेम करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों लाखों लोग बैठे बात को बोलते हैं। आपके आने से जनता में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है, और हम सब जानते हैं आपने जब प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़, वहां सरकार कांग्रेस की बनी, आपने प्रचार कर्नाटक में किया, वहां सरकार आपने बनाई, और यहां पर भी आप और राहुल जी प्रचार करेंगे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रियंका जी, आप टोंक में यहां पर आई,
मैं इस जिले का विधायक हूं, इस नाते आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं और मंच पर तमाम जो हमारे अतिथि गण हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, सरकार के तमाम अधिकारियों ने जो इस कार्यक्रम में योजना बनाने में योगदान दिया और आप सब यहां पर आए। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा सुखी रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रियांश जी का स्वागत दोबारा करें। जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां